जी नाम वालों का 2020 का संपूर्ण फलादेश। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क तुला स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके इस वर्ष के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप कहीं भी ना करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए इस वर्ष का उपाय भी बताऊंगा, जिस उपाय को फॉलो करके आप अपने इस साल को बेहतर बना सकते हो। तो वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर आप जन्म कुंडली के बारे में, हस्तरेखा के बारे में, या आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कत हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी, और अगर कॉल करते हो तो बात नहीं हो पाएगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है आपका आर्थिक जीवन। जी नाम वालों के अनुसार यह वर्ष आपके आर्थिक परिप्रेक्ष्य में काफी सामान्य रहने की उम्मीद है। इस वर्ष आपको अपने धन के निवेश और खर्च पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वें घर में शनि की स्थिति आपकी बचत पर ग्रहण लगा सकती है और खर्चों में वृद्धि कर सकती है। इसके अतिरिक्त 30 मार्च से 30 जून के बीच गुरु बृहस्पति का गोचर आपके 12वें घर में रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी होने के बावजूद खर्चों में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे आपका फाइनेंस बिगड़ जाएगा। और 30 जून से 20 नवंबर के बीच आप काफ़ी हद तक सुकून फील करने वाले हैं, लेकिन 20 नवंबर के बाद फिर खर्चे वाली हालात बन जाएगी और आपका खर्च शुरू होना फिर हो जाएगा। इसलिए धन संबंधी कोई भी रिस्क लेने से बचें और धन का निवेश नहीं करें तो बेहतर रहेगा। इस वर्ष आपकी आय नियमित तौर पर बनी रहेगी और आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। जी नाम वालों के अनुसार यदि आप किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, तो आपको उस विषय के एक्सपर्ट से मिलकर सलाह मशवरा करने के बाद निवेश करना चाहिए, ताकि आगे जाकर आपको दिक्कत न झेलनी पड़े। इस वर्ष आपको किसी भी प्रकार के अप्रत्याशित खर्चों से सावधान रहना चाहिए और व्यर्थ के खर्चे नहीं करें तो बेहतर रहेगा। शेयर बाजार, सट्टा बाजार आदि में निवेश करने के प्रति आप सावधानी बरतें। यदि आपका कोई व्यापार है जिसमें आपका संबंध विदेश से है, तो आपको उस व्यापार में इस वर्ष लाभ काफी ज्यादा होगा। इसके विपरीत यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, तो भी आपके लिए लाभ के योग खुले रहेंगे मध्य मई से अगस्त के बीच, और फिर 17 दिसंबर के बाद आपके अच्छे खासे लाभ होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो ये था आपका आर्थिक जीवन। अब है आपका करियर। जी नाम वालों के अनुसार इस वर्ष में भागदौड़ बहुत ज्यादा बनी रहेगी। आपकी यही भागदौड़ आपको सफल बनाएगी, जिससे आपकी मेहनत और किस्मत ये दोनों मिलकर आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ले जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा विकसित कर देंगे। नए व्यवसाय के लिए समय बेहतर रहेगा। साझेदारी में काम करना चाहते हैं अगर, तो आप कर सकते हैं। व्यापार में निवेश के लिए समय अप्रैल के बाद ठीक रहेगा। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। इस कार्य में आपके छोटे भाई बहन या आपके कोई मित्र लोग आपका हेल्प करेंगे, और मई के बाद आय को लेकर कुछ वक्त के लिए थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। साल के मध्य में काम को लेकर आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और सितंबर के माह कार्य को लेकर नए अवसर आएंगे और आप सफल होंगे। तो अब है इस वर्ष का स्वास्थ्य। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके बाद आप घंटे को भी ऑल पर ऑन कर लें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप शेयर भी कर दें, ताकि हर कोई इस वीडियो का फायदा उठा सके और वीडियो को इंजॉय कर सके। स्वास्थ्य को लेकर इस साल थोड़ा बहुत आप सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले सेहत का आप पूरा इंतजाम कर लें, कि यात्रा पर जाने के बाद आप बीमार ना पड़ें। इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। अगर आपको बीपी है या अस्थमा है, तो आप अगर यात्रा करते हैं, तो यात्रा के दौरान आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही थोड़ा भी ना करें। यानी कि लापरवाही करते हो अगर, तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी।
इस साल आपके बच्चे आपके स्वास्थ्य का ध्यान कुछ ज्यादा रखेंगे। साल के मध्य में किसी प्रकार का तनाव पॉसिबल है, जिससे बचने के लिए आपको योग का, ध्यान का, एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और आप बाहरी खाने से परहेज करें, खासकर स्ट्रीट फूड तो आप बिल्कुल भी ना खाएं, ये आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। तो अब है आपका इस वर्ष का उपाय, आप रोजाना माता लक्ष्मी की पूजा करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा और आपके सभी दिक्कतों को ये साफ कर देंगे। और फिर ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। तो मित्रों, हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम।